फिर बचेगा टाइम तो फिर और आगे देख लेंगे, पहले इतना हम लोग धीरे धीरे खत्म करते हैं। देखो जैसे तुम्हारे पास जो क्वेश्चन सेट दिया गया था उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, उस 3 में तुम्हारे पास लिखा था ऐसा फिगर शोज अ थिक मेटालिक स्फीयर। हमारे पास एक फिगर है जिसमें एक थिक मेटालिक स्फीयर है, अंदर में ये हॉलो नहीं है, ध्यान रखने वाला बात है, ये एक थिक मेटालिक स्फीयर है, अंदर में पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है ये, ठीक है। इसका इनर रेडियस है आर वन और इसका आउटर रेडियस है आर टू। क्वेश्चन में लिखा गया कि अगर हम लोग इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे देन इलेक्ट्रिक फील्ड बी प्रेजेंट इन द रीजन। सोच के बताइए अगर आप इसको बाहर से प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो वो चार्ज एक्चुअली रिसाइड कहां करेगा, वो चार्ज एक्चुअली रिसाइड कहां करेगा, आउटर सरफेस पे। मतलब आप अगर ये एक थिक मेटालिक स्फीयर है, अगर ये थिक मेटालिक स्फीयर है देन टोटल चार्ज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब आप ऐसा समझ लो कि आप इसको कोई भी चार्ज देंगे ना तो वो चार्ज इसके अंदर नहीं जाएगा, वो सारा का सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे बना रहेगा। अब आपसे पूछा गया कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एग्जिस्ट करेगा, 3-4 ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एग्जिस्ट करेगा। कोई सोच के बताओ, क्या इस लाइन के अंदर हम लोग कोई भी, इस लाइन के अंदर हम लोग कहीं भी, मान लीजिए यहां पे गॉसियन सरफेस बनाए या फिर हम लोग यहां पे गॉसियन सरफेस बनाए, क्या समझना इस लाइन को थोड़ा अच्छे से समझना। फॉर स्मॉल आर लेस देन आर टू If any Gaussian surface is taken, सोच के बताना जी, if any Gaussian surface is taken, बताओ तो Q enclosed कितना, zero. अगर Q enclosed zero है then remember that electric field is zero. आप अगर कोई distance लेते हैं, radius लेते हैं जो R2 से छोटा है, अगर वो R2 से छोटा है तो आप वहां कोई भी गॉसियन सरफेस बनाइएगा तो इनक्लोज चार्ज का वैल्यू जीरो होगा, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। चलो इसमें कुछ और भी ऐड कर दे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है, वेरी गुड। पोटेंशियल कैसा है तो कांस्टेंट है। अब सोचो कि अगर हम लोग स्मॉल आर ग्रेटर देन आर टू या एटलीस्ट इक्वल टू लेते हैं, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर टू या एटलीस्ट इक्वल लेते हैं तो क्या हम लोगों का क्यू इनक्लोज्ड नॉन जीरो होगा, ठीक है। और अगर यहां पर हमको क्यू इनक्लोज लिखना पड़ा तो क्या वो क्यू के बराबर होगा, दैट्स वाई योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो एंड योर पोटेंशियल इज वेरिएबल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो जिनका भी डाउट था ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया क्या हुआ, अंदर में ये मेटालिक स्फीयर ऐसे भरा हुआ है तो आप इसको कहीं भी चार्ज दीजिएगा तो चार्ज उसके बाहरी सरफेस पे ही आएगा। अगर बाहरी सरफेस पे आया तो अंदर में हम लोग कोई भी पॉइंट पे अगर हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो क्यू इनक्लोज जीरो होगा, क्यू इनक्लोज जीरो आने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा। लेकिन अगर हम लोग कोई ऐसा गॉसियन सरफेस बनाए जिसका रेडियस आर टू से बड़ा है या एटलीस्ट बराबर है तो Q enclosed नॉन जीरो होगा, जो एक्चुअली दिए गए चार्ज के बराबर होगा। ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो एंड पोटेंशियल इज वेरिएबल, ठीक है। स्टूडेंट्स को बोलो ना कि अपना वीडियो ऑफ कर दे, 65 स्टूडेंट है ना, दिक्कत है। अच्छा एक चीज और, थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है क्लास में, इसलिए ना सबको अपना वीडियो ऑफ रखे तो आपको पिक्चर का जो क्वालिटी है ना नेट पे लोड कम पड़ेगा, तो आप लोग है ना थोड़ा अच्छे से सुन पाइएगा और फिगर अच्छा दिखाई देगा।
अपना वीडियो ऑफ कर लो, अपना मेरा ही मत ऑफ कर देना, ठीक है, अपना वीडियो ऑफ कर लो, केवल ऑडियो ऑन रखना काम के लिए, हाँ वीडियो ऑफ कर लो अपना, ऑडियो ऑफ रखिएगा जब बोलना है, ऑडियो ऑफ रखो जब बोलना हो तो ऑन करके बोलो, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 3। हाँ देखो अगला क्वेश्चन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। किसी का 10 में डाउट है? 10 देखो 10 एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है। आपके सामने यहां पे एक निगेटिव चार्ज और यहां एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो प्लस से निकल के माइनस पे जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे प्लस से निकल के माइनस पे जा रहा है। अब आप इसका जो पूरा फिगर देखिएगा, आप अगर इसका एक पूरा फिगर देखिएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बना हुआ है, प्लस से निकल रहा है माइनस पे जा रहा है। तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा है फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड एन इलेक्ट्रिक डायपोल, विच ऑफ द एरो बेस्ट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। देयर इज सम पॉइंट पी, बोला गया पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। वैसे तो देखो ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है डायपोल के इक्विटोरियल, डायपोल के इक्विटोरियल बाइसेक्टर लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट में होता है। डायपोल मोमेंट किधर से किधर? तो ये मेरे P का डायरेक्शन, तो ये मेरे E का डायरेक्शन, सही है। आप एक बार में ऐसे बना सकते हैं, तो जो पॉइंट दिया गया था वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायरेक्शन होगा। लेकिन मान लो अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हुआ तो सुनो कैसा, अगर किसी स्टूडेंट के लिए डाउट है तो वो क्या करे ना, प्लस का फील्ड और माइनस का फील्ड अलग अलग बना दे। देखो जैसे ये मेरे पास नेगेटिव, तो इसका फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये मेरे पास पॉजिटिव तो इसका फील्ड इस डायरेक्शन में। फिर से जब आप दोनों का रिजल्टेंट लीजिएगा तो इधर ही आएगा। क्या ये समझ में आया? ठीक है, अगर आप दोनों का रिजल्टेंट निकालेगा तो इधर ही आएगा। तो आप चाहे तो इंडिविजुअली दोनों को ड्रॉ करके निकाल सकते हैं, नहीं तो आप डायपोल में जो सीखे थे कि इक्विटोरियल बाइसेक्टर पे, इक्विटोरियल लाइन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट में होगा, वहां से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलो जरा सोच के बताना। यहां से एक पॉइंट लेते हैं, बताओ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट की तरफ, बिल्कुल सही। ये एक्सियल लाइन हुआ, और इस एक्सियल लाइन पे जो हमारा डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही होगा। करेक्ट जा रहे हैं? ठीक है, अच्छा जरा सोच के बताइए, जरा सोच के बताइएगा, क्या इस फिगर में, इस बोर्ड पे कोई भी ऐसा पॉइंट आप डायपोल में बना सकते हैं जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आए? क्या इस फिगर में कोई भी ऐसा पॉइंट आप निकाल सकते हैं जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आए, डाउनवर्ड नेगेटिव वाई, डाउनवर्ड नेगेटिव वाई? मेरा जो स्क्रीन है ना उस पर डबल टैप कर दो, वो फुल स्क्रीन में आएगा, फिर आपको फिगर बड़ा दिखेगा। सुनिएगा दो तीन चीज इसमें है ना, अगर आप नहीं समझ, सुनिए मेरा बात, अगर आप मेरा फिगर पे डबल टैप करके इसको फुल स्क्रीन पे नहीं रखिएगा ना, तो जो भी पर्सन बोलेंगे उनका फिगर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको थोड़ा नेट का इश्यू है, क्योंकि सबको ऐसा नहीं हो रहा है। सबसे पहले अपना ऑडियो बंद रखो, वीडियो बंद रखो, नेट पे लोड ज्यादा है, एक साथ में 70-80 स्टूडेंट्स लगभग हम लोग कनेक्ट है एक साथ, इस वजह से लोड ज्यादा है, तो हम लोग को थोड़ा इसको समझना होगा। ऑडियो अपना
उस समय ऑन कीजिए जब आपको कुछ बोलना है, ठीक है। अब यहाँ देखो इस फिगर को देखो ध्यान से, क्या हम लोग के पास कोई एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड हो? चलिए देखते हैं। नाउ सी दैट, अगर हम रैंडमली कोई एक पॉइंट चुन लें तो प्लस की वजह से वहां पे फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, और इस माइनस की वजह से वहां फील्ड होगा रेडियली इनवर्ड। आप जब इन दोनों का रिजल्टेंट बनाएंगे ना, जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट बनाएंगे, देन रिजल्टेंट विल बी इन दिस वे। यही तरीका है। अब जरा गौर करना, हम तो आपको सिखा रहे थे कि किसी भी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाएंगे कैसे, लेकिन आपको आंसर क्या चाहिए? डाउनवर्ड। अब अपना दिमाग दौड़ाओ। अगर हम लोग कोई एक पॉइंट यहां लें, ठीक है, अगर हम लोग कोई एक पॉइंट यहां लें तो उसमें पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा इधर, और इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा इधर। जब आप इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के लिए फील्ड बनाइएगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली डाउनवर्ड रिजल्टेंट, इट इज अप्रोक्सीमेटली डाउनवर्ड। सो इन दिस क्वाड्रेंट और दिस क्वाड्रेंट देयर इज सम चांस ऑफ पी पॉइंट मे बी इनेट इज डाउनवर्ड, जो तुम्हारा इनेट होगा वो डाउनवर्ड होगा। तो देखो इस फिगर में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पी पॉइंट पे किधर होगा। आप सीख लिए, आप ऐसे चाहेंगे तो जहां चाहे वहां बना सकते हैं। जिस पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, प्लस का डायरेक्शन और माइनस का डायरेक्शन ड्रॉ करके रिजल्ट निकाल दो, ठीक है। चलो ये था दोनों। 12 में बोला गया अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 माइक्रो कूलम एंड मास 1 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 300 वोल्ट पर मीटर फॉर 10 सेकेंड्स, इट्स फाइनल स्पीड कैन नॉट बी। देखो 12 में लिखा है ऐसा कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज का वैल्यू है 1 माइक्रो कूलम, ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में मास है 1 ग्राम और उसका इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल्स टू 300 वोल्ट पर मीटर एंड टाइम इज फॉर 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड तक लगेगा। अभी जरा ये सोच के बताओ क्वेश्चन में लिखा है कि उसका फाइनल स्पीड इसमें से क्या नहीं हो सकता। चार ऑप्शन ए में मेंशन है हम लोगों के पास 0.5 मीटर पर सेकेंड, बी में मेंशन है 4 मीटर पर सेकेंड, सी में मेंशन है 3 मीटर पर सेकेंड और डी में मेंशन है 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में बोला गया इसमें कौन सा स्पीड नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें एक छोटा सा मैं आपको एक तरीका बताते सीखने का। आप अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहे हैं, इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिमेंबर क्यू विल एक्सपीरियंस फोर्स विच इज इक्वल टू क्यू ई। हमेशा क्यू पे कोई फोर्स लगेगा, तो आप अगर एक्सप्रेशन निकालेंगे तो फोर्स बाय मास मतलब वो क्यू ई बाय एम होगा, मतलब एक्सप्रेशन होगा जरूर एंड दैट एक्सप्रेशन इज नन जीरो। हाँ बस ये सोचिए कि दिस एक्सेलरेशन
इज नॉन जीरो, ये एक्सक्लेमेशन तुम्हारा नॉन जीरो है। देखो इधर, दिस एक्सक्लेमेशन इज नॉन जीरो। अगर ये एक्सक्लेमेशन नॉन जीरो है तो नॉन जीरो एक्सक्लेमेशन होने की वजह से वेलोसिटी में चेंज जरूर होगा। दिस एक्सक्लेमेशन इज नॉन जीरो, सो चेंज इन वेलोसिटी इज नॉन जीरो। इसका मतलब यह है कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल इज नॉन जीरो। इसका मतलब यह है कि फाइनल वेलोसिटी कभी इनिशियल के बराबर नहीं हो सकता। समझ में आया? अगर मेरे इस सिस्टम में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, तो चार्ज हमेशा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस फोर्स की वजह से उसमें एक एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन होगा नॉन जीरो। एक्सेलरेशन नॉन जीरो होने का मतलब है कि वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो भी नॉन जीरो होगा, मतलब कोई ना कोई चेंज इन वेलोसिटी होगा ही होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, नॉन जीरो चेंज है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन ये तुमसे पूछा है कि 10 सेकंड के बाद कौन सा वेलोसिटी नहीं हो सकता, तो 10 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी नहीं हो सकता क्योंकि शुरुआत में इसका यही है, तो फाइनल ये भी। तो सर बाकी सब कब हो सकता है, जरा गौर करना। हाँ बोलो। सर इसका आंसर ए दिया था। ठीक है, गलत है, आगे देख। ए एंड सी में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है। ये तब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, ये तब पॉसिबल है अगर अगर हम लोग इफ इफ रिटार्डेशन टेक्स प्लेस, इफ रिटार्डेशन टेक्स प्लेस, ये रिटार्डेशन अगर हुआ तब। समझ में आया? वैसे है ना, अगर आपका आंसर ए है तो हम ए को अलग से चेक कर लेते हैं, लेकिन अभी देखिए कि ए और सी में जो वेलोसिटी दिया गया है वो हमारे इनिशियल वेलोसिटी से कम है, तो ये दोनों आने का चांसेस बनता है कब, जब रिटार्डेशन। और हमारे पास जो डी है, डी विल बी पॉसिबल फॉर एक्सेलरेशन, फॉर एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन होगा तो डी पॉसिबल है। ठीक है, अभी हम अलग से देख लेते। फॉर मैक्सिमम रिटार्डेशन, थोड़ा समझना, मैक्सिमम रिटार्डेशन कितना होगा। देख, मैक्सिमम रिटार्डेशन उस समय होगा जब इसका इनिशियल वेलोसिटी इधर हो और फोर्स इधर लगे, विच इज इक्वल्स टू क्यूई। ऐसे केस में जो रिटार्डेशन है वो है आपका क्यूई बाई एम। तो अब अगर आप फाइनल वेलोसिटी निकालिएगा तो वो होगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस क्यूई बाई एम एनटी, लिखा हुआ है यू माइनस एटी। आप इस पर वैल्यू पुट करके देख लीजिए वो 0.3 है या क्या आता है, सही। लेकिन एक बात एकदम तय रखना कि 4 मीटर पर सेकंड नहीं हो सकता, 4 मीटर पर सेकंड हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी फर्स्ट ऑप्शन के लिए यू कैन चेक दैट, अगर वो आ जाता है तो आ जाता, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया? किनका डाउट था 12 नंबर, समझ में आया आपको? समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट 15 किसका डाउट? यस सर। नाम नाम ठीक है रोशन, चलो इसको देख लो, कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लो। अभी हम इसका स्नैप ले लेते हैं, वो आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिए। सर वीडियो बहुत स्लो चल रहा है, इसीलिए बोल रहे थे टिकटॉक मत देखो। तो अगले दिन से थोड़ा डाटा सेव करो, ठीक है?
चलो ठीक है, धीरे धीरे चलते रहने दो, फर्स्ट क्लास में। देखो जब भी हम इस तरह का कोई फिगर देखते हैं ना, मेरा दिमाग एकदम तैयार रहता है कि एकदम कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा फिगर में एकदम तैयार नहीं है। यहां मान लीजिए क्यूब, ये मेरा फर्स्ट स्फीयर, ये सेकंड स्फीयर, ये थर्ड स्फीयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी इन दोनों स्फीयर्स के बीच का थिकनेस है टी वन और इसके बीच का थिकनेस है टी टू। ये थिकनेस है भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है थिकनेस। क्वेश्चन ये लिखता है, फिगर शोज थ्री स्फेरिकल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस 1, 2 एंड 3 राउंड अ पॉइंट चार्ज क्यू, द पोटेंशियल डिफरेंस v1 माइनस v2 इज v2 माइनस v3, दोनों बराबर है। क्वेश्चन ये कहता है कि 1 में से 2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस 2 और 3 का है। 1 - 2 = 2 - 3, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये इस केस में T1 और T2 के बीच क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, हम लोगों को ये सोचना है, ये थिकनेस और इस थिकनेस में रिलेशन निकालना है। अच्छा एक चीज पूछते हैं, सोच के बताना, एक चीज बोल रहे सोच के, कोई हमको केवल देख के बता सकता है स्फीयर 1 का पोटेंशियल कितना होगा? KQ बाई R, मान ले इसका, मान ले इसका एक रेडियस है R1, इसका रेडियस मान ले R2, इसका रेडियस मान लो R3। अब सोच के बताओ कि वन स्फीयर का पोटेंशियल बोलो। बिल्कुल सही, टू का बोलो और थ्री का KQ/R3। वेरी गुड। देखिए हम यहां पे जो पूछ रहे हैं, यहां पे जो हम बता रहे हैं उसको थोड़ा समझिए, यहां पे समझिए। अगर आप देखिएगा ना, थोड़ा वन और टू का अगर पोटेंशियल आ गया तो वन और टू के पोटेंशियल में से हम लोग माइनस करें, वन का पोटेंशियल माइनस टू का पोटेंशियल, मतलब KQ बाहर, 1/R1 - 1/R2। सो वन का पोटेंशियल माइनस टू का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू KQ। कैन वी राइट दैट R2 - R1/R1 R2। अब जरा गौर करो, 1 में से 2 का पोटेंशियल का मतलब हो गया KQ। फिगर देखो, अगर आप R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो क्या वो थिकनेस T1 बचेगा? KQ T1 / R1 / R2, R2 - R1, या R2 - R1 हुआ इनके बीच का थिकनेस। इसका मतलब ये है कि V1 - V2 इज इक्वल्स टू KQ, यहां आ गया T1 / R1 / R2। सिमिलरली जब आप 2 और 3 को लेंगे, सिमिलरली जब आप 2 में से 3 पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो KQ 1/R2 - 1/R3 आया। ये हम लोग के पास हो गया KQ R2 - R3 / R2 R3। और ये R2 और R3 का जो डिफरेंस है वो T2 है, तो हमारे पास आया V2 - V3 इस KQ T2 / R2 / R3। ये चीज आया क्वेश्चन के हिसाब। हाँ बोलो जी, R3 - R2 होगा ना ऊपर। हाँ हाँ करेक्ट, R3 - R2। अब जरा देखो, V1 में से V2 और V2 में से V3 का जो डिफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब KQ T1 / R1 / R2 = KQ T2 / R2 / R3 है। KQ कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल,
इसका मतलब ये है कि T1 by T2 is equals to R1 by R3। फिगर देख के बताओ R1 और R3 में बड़ा कौन? Obviously R3 बड़ा, R3 बड़ा। सिंस हम लोगों के पास R1 से R3 बड़ा है तो याद रखना कि T1 से बड़ा होगा T2। R1 से R3 बड़ा है सो T1 से बड़ा होगा T2। क्या ये लाइन समझ में आया? ठीक है, देख लीजिए जिनका डाउट था अच्छे से डिस्कस कर लिए, अपना देख लीजिए, कहीं डाउट है पूछ लीजिए। स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3, किस स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम? क्यों क्यों 1 का इस सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम? अच्छा एक चीज सर, हाँ हाँ बिल्कुल सही, हर किसी का स्फीयर 1 बोलो, 2 बोलो या 3 बोलो, उसका नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 है। आपका इस स्फीयर का नेट चार्ज कितना? 0 है। अंदर माइनस क्यू है, बाहर प्लस क्यू है, तो दोनों का अगर आप सम कीजिएगा तो नेट चार्ज उसका 0 है, सो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 है। इसी तरह 2 के लिए, इसी तरह 3 के लिए। देखिए आपको बात समझना चाहिए, आप अगर ऐसे बोलते हैं कि सरफेस का नाम दे दें, अगर आप स्फीयर के लिए बात करें, स्फीयर तो सिग्मा 1 बोलो, सिग्मा 2 बोलो या सिग्मा 3 बोलो, ये सब 0 है क्योंकि उस पर नेट चार्ज का वैल्यू 0 है। ठीक है, अब मान लो जैसे हम इसको बाहर से एक चार्ज दे दिए, बाहर से इसको 5q चार्ज दे दिए, बोलो 5q, हाँ 5q, बोलो जरा थर्ड स्फीयर के आउटर फेस पे टोटल कितना चार्ज? 6q ना, थर्ड स्फीयर के आउटर फेस पे टोटल कितना चार्ज? 6q। अब थर्ड स्फीयर के इनर फेस पे कितना चार्ज? -q। ठीक है, तो अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है फॉर थर्ड स्फीयर सिग्मा आउटर देन इट इज 6q डिवाइडेड बाई 4πr3 का स्क्वायर, और अगर हम बोले सिग्मा इनर देन इट इज -q डिवाइडेड बाई 4πr3 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? ठीक है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को इस तरह से दिमाग में रखना है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए 15 के बाद किसी का डाउट है 16 में, एक ग्राफिकल क्वेश्चन है वो 16, बट अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5d, करेक्ट, द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इज एट x = 0 एंड नेगेटिव चार्ज इज एट x = 5d, द टू स्लैब्स वन ऑफ द कंडक्टर एंड अदर इज डायरेक्ट्रिक ऑफ सेम थिकनेस d। सुनना समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। तुम्हारे पास जो कैपेसिटर का प्लेट है वो कुछ यहां, ये कैपेसिटर का प्लेट, यहां भी कैपेसिटर का प्लेट, ये हम लोगों का x = 0 और ये x = 5d, दिस इज डी 2d 3d एंड 4d। अब बीच बीच में
यहाँ पे एक जगह कंडक्टर लगा है, कंडक्टर रखा हुआ है, कंडक्टर, कंडक्टर कहाँ है? तो यहाँ पे कंडक्टर रखा हुआ है, ये एक कंडक्टर, कंडक्टर, और ये वो पॉइंट है जहां कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है, डाइलेक्ट्रिक, ऐसा बोला गया कि देखिए जी, इस प्लेट से इस प्लेट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को हम लोग को प्लॉट करना है, सॉरी पोटेंशियल, पोटेंशियल का वेरिएशन प्लॉट करना है, पोटेंशियल का वेरिएशन। आप देखिए पोटेंशियल के वेरिएशन को प्लॉट करने के पहले आप यहां दो ग्राफ एक साथ बनाइए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वैरी कर रहा है और तब जाके पोटेंशियल कैसे वैरी कर रहा है। पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड पर अपना दिमाग दौड़ाइए, सोचिए समझिए जो आप पढ़े पहले। जहां एयर है, यहां एयर है, यहां एयर है, ये एयर, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, जहां जहां एयर है इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, जहां कंडक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, और जहां डाइलेक्ट्रिक है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट बाई के। आपको याद आ रहा है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले प्लॉट देख ले। जब आप यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाइएगा तो ई नॉट का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कांस्टेंट, ओके। फिर जहां कंडक्टर है वहां जीरो, फिर जहां एयर है फिर से ई नॉट, फिर जहां स्लैब है वहां ई नॉट से कम होगा, जीरो से ज्यादा होगा, मतलब समवेयर इन दिस पॉइंट, और फिर से एयर आ गया, फिर से ई नॉट। जहां जहां एयर है, देखो यहां एयर था, यहां कंडक्टर था, यहां फिर से एयर था, यहां मीडियम था, और फिर से यहां एयर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कहीं जीरो, फिर ई नॉट बाई के एंड सो ऑन। अब देखो आप यहां से बनाएंगे आगे पोटेंशियल का ग्राफ, लेकिन पोटेंशियल को थोड़ा ध्यान रखना। क्या आपको याद है ऐसा पोटेंशियल इज, एक्चुअली हम एक फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, हम आपको इधर ही कहीं लिख दें। क्या हम लोग ऐसा पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डीआर, या फिर पोटेंशियल का डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, पढ़े हम लोग। अब यहां देखिए हर एक रीजन का जो डिस्टेंस है वो सेम है, दैट इज कॉन्स्टेंट, ये सबका कॉन्स्टेंट है, और निगेटिव साइन डायरेक्शन बताता है, ये दो काम खत्म। सभी का डिस्टेंस डी है और निगेटिव साइन डायरेक्शन बताता है, दोनों काम खत्म। इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन पोटेंशियल होगा, चेंज इन पोटेंशियल वो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के साथ डिपेंड करता है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां चेंज इन पोटेंशियल ज्यादा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम वहां चेंज इन पोटेंशियल कम, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट वहां चेंज इन पोटेंशियल कॉन्स्टेंट, चेंज इन पोटेंशियल जीरो एक्चुअली, ठीक है। अब जरा यहां गौर करना, या कॉन्स्टेंट बोलो, चेंज इन पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट, ओके। नाउ सी दैट, यहां मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो यहां पे पोटेंशियल सबसे तेजी से घटेगा, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल का चेंज जीरो होगा, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा। यहां पोटेंशियल का चेंज जीरो है, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है। फिर से देखो, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, फिर से पोटेंशियल घटेगा तेजी से, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटा तो पोटेंशियल का चेंज कम होगा। देख ये कांस्टेंट है, ये थोड़ा घटा हुआ है ना नीचे की तरफ, समझ में आ रहा। और फिर उसके बाद एयर आ गया, फिर ऐसे घटा और ये जीरो। क्या आपको ये फिगर समझ में आया? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, पोटेंशियल का चेंज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल का चेंज जीरो, पोटेंशियल इज कांस्टेंट, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, पोटेंशियल का चेंज मैक्सिमम, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में ई नॉट बाई के,
तो चेंज होगा लेकिन कम होगा एंड देन अगेन ई नॉट सो अगेन डिक्रीजेस स्टीपली। अच्छे से देखिए इस ग्राफ को, कहीं कोई डाउट बोलिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? किसी का डाउट है तो बात कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। देखिए मेरे हिसाब से तो है ना, अगर कैपेसिटर वर्ड मेंशन है तो उसको पूरा सटना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर में ये जो सेकंड प्लेट है वो अर्थिंग होता है, करेक्ट बोल रहे हैं? Yes. तो इसको पूरा सटना चाहिए तभी आप इसको जीरो पोटेंशियल लिख सकते हो, ठीक है। बट इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि ये पूरा का पूरा टच कर जाए, डिपेंड करता है क्वेश्चन के लेवल पे, लेकिन आपको ऐसे लेके चलना चाहिए कि नहीं वो टच करेगा, क्योंकि वर्ड अगर कैपेसिटर है तो उसका सेकंड प्लेट अर्थिंग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो ठीक, बढ़िया क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट इसमें बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का, क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट लिखा है, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज C1 व्हेन इनर स्फीयर इज चार्ज्ड एंड आउटर स्फीयर इज अर्थ एंड C2 व्हेन इनर स्फीयर इज अर्थ एंड आउटर स्फीयर इज चार्ज्ड देन C1 बाय C2 इज। एक्चुअली ये सीधा आपके एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे है, जरा गौर से देखिएगा। स्फेरिकल कैपेसिटर having inner radius A and outer radius B. Remember this, if inner surface is charged and outer surface is connected with earth, it have capacitance. पहला क्या लिखा, C1 क्या लिखा है? When inner is charged and outer is C1, then it have capacitance 4 pi epsilon naught AB by B minus A. इसका रिवर्स सोचना, ये आपके कॉपी पे लिखाया गया है, आप जरा ध्यान से देखते तो आपको कॉपी पेन मिल जाता। अगर कभी ऐसा है कि आउटर स्फीयर को आप चार्ज कर दिए एंड इनर स्फीयर इज कनेक्टेड विद अर्थ, तो याद रखना कि यही कैपेसिटेंस का नया फॉर्मूला हो जाता है 4 pi epsilon naught B² B - A। ये आपके कॉपी पे कराया गया चीज है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको C1 बाय C2 का वैल्यू निकालना है, ऑब्वियसली दोनों को सॉल्व कर दो, सब कुछ कट जाएगा, यहां A बच जाएगा, यहां B बच जाएगा, सही ना? सो इट इज A बाय B, C1 बाय C2 इज इक्वल्स टू A, एक B से B स्क्वायर कट गया, A बाय B बचा, बाकी सब कैंसिल। तो फॉर्मूला बेस्ट। चलो अगला क्या था इसमें, 21 लिखा है, इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर 1 3 माइक्रो फराड कैपेसिटर हैज गॉट 600 माइक्रो जूल ऑफ एनर्जी देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रो फराड कैपेसिटर विल बी। यहां पे है एक बी, देखना ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें अच्छा डिस्कशन है। ये है 3 माइक्रो फराड, ये भी है 3 माइक्रो फराड और ये भी है 3 माइक्रो फराड, दिस वन इज 2 माइक्रो फराड एंड दिस वन इज 6 माइक्रो फराड। क्वेश्चन ये लिखता है कि कोई भी एक 3 माइक्रो फराड के पास 600 माइक्रो जूल एनर्जी है, एनी 3 माइक्रो फराड कैपेसिटर हैव 600 माइक्रो जूल एनर्जी। हम लोग को क्या चाहिए, वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रो फराड, पोटेंशियल
डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफराड, यही हम लोगों को निकालना है। देखो दिस क्वेश्चंस आर एक्चुअली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट जो आप पढ़े होते हैं थ्योरेटिकली। जितना भी आपको ऊपर 3 माइक्रोफराड दिखाई दे रहा है, हर किसी के अक्रॉस में कैपेसिटेंस सेम होने की वजह से इक्वल पोटेंशियल का डिफरेंस, मान लो यहां भी है तो यहां भी है और यहां भी है, हर किसी पे इक्वल चार्ज, ये मान ले Q1 है तो यहां भी Q1 है, यहां भी Q1 है, ठीक है। अब जरा सोचो, बताओ जरा ऊपर सोच के, क्या हम लोग इन 3 माइक्रोफराड को अगर हम लोग सीरीज में ले लें तो सीरीज में ये तीनों मिलके एक कैपेसिटर बन जाए? पर बताओ तीनों तीनों का सीरीज में इक्विवेलेंट बोलो जी, वन, ठीक है ना, वन ना, तो ऊपर आ गया 1 माइक्रोफराड, नीचे में 2 और 6 है सीरीज में, क्या 2 × 6 / 6 + 2 होगा? तो 12 और नीचे 8, मतलब 3/2, तो यहां पे हो गया 3/2 ऑफ माइक्रोफराड। अब सोचो यहां का पोटेंशियल 3 वोल्ट, यहां का भी पोटेंशियल 3 वोल्ट, करेक्ट जा रहे हैं, सही है ना? सोचना जरा ध्यान से कि यहां पे 2 है और यहां 6 है पूरा। अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको हम बड़ा करके आपके सामने रख रहे हैं। इसमें 2 कैपेसिटर है, एक है 2 माइक्रोफराड का और एक है 6 माइक्रोफराड का। आपको याद है सीरीज में कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है? कैपेसिटर जब सीरीज में होता है तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज सेम होता है, सही ना? अब देखो अगर हम इसके अक्रॉस का V1 लिखना चाहें तो आप याद कीजिएगा, आपको लिखाया गया था टोटल भी डिवाइडेड बाई C1 + C2 मल्टीप्लाइड विथ C2, सही है ना? टोटल भी, अब टोटल भी आपका 3V था, ठीक है, सो इट इज 3V डिवाइडेड बाई C1 + C2 8 और C2 कितना 6, तो ये हो गया हम लोग का 3, ये हम लोग का हो गया 4, दिस वन इज 9V/4। मतलब 2 माइक्रोफराड के अक्रॉस का, सुनना, 2 माइक्रोफराड के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9V/4 है। लेकिन आप क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखिएगा ना, तो न्यूमेरिकल डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा के लिए आपको भी चाहिए, और भी हम लोग इस लाइन से निकाल लेंगे, इस लाइन से हम लोग भी निकाल लेंगे। देखो तो क्या हम लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल्स टू ½CV2, तो यहां पुट कर देंगे 600 माइक्रोजूल, ये हो गया 1/2, सी का वैल्यू हो गया 3 माइक्रोफराड और भी का स्क्वायर, ये माइक्रोफराड से ये माइक्रो कैंसिल, 3 से ये कट के हो गया हम लोगों का 200 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 400 V², तो V का वैल्यू हो गया 20 वोल्ट, ठीक है, V आ गया 20 वोल्ट। चलो यहां पुट कर लो, तो आपके पास हो गया ये 9 × 20/4, 4 से ये कटा भाई 5 में, 9 से मल्टीप्लाई कर दो 45, देख कोई ऑप्शन होगा? जी सर, B वाला, ठीक है। सब कुछ प्लान करना सीखो, प्लान करना, देखो कैसे थ्योरी में, देखो सब 3 3 3 है, तो जो एक में भी होगा भाई दूसरा में होगा, भाई तीसरा में होगा, फिर उसको लिख दिए 3V, फिर इन दोनों को शॉर्ट करके लिखे 3/2 माइक्रो। अब यहां देखे कि हाँ जी 2 और 6 है, तो V1 और V2, फिर V1 हम लोग पढ़े थे कि सीरीज में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में, तो टोटल V डिवाइडेड बाई C1 + C2 मल्टीप्लाई बाई C2 भी आया, लेकिन हमको 3V/8 9V/4 आया, लेकिन क्वेश्चन में भी का टर्म में आंसर नहीं है, न्यूमेरिकल डाटा है, तो भी कैसे हटाएंगे, भी यहां से हटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट करो, हम इसका देख, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी इसके बाद है 27 नंबर, किसी का डाउट है 27 नंबर, इसमें कहीं दिक्कत किसी को? ये सब कैसे लिख रहे, समझ में आ रहा है, याद आ रहा सब? कौन सा सर? 3/2 का सर, वो नहीं समझ ये,
सीरीज में इक्विवेलेंट होता है C1C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये दोनों सीरीज में 6 से 12 23 लिखा है टू इक्वल निगेटिव चार्ज माइनस क्यू इच आर फिक्स्ड एट पॉइंट 0 माइनस है एंड 0 प्लस है ऑन वाई एक्सिस। अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द पॉइंट 2a0 ऑन द एक्स एक्सिस। द चार्ज क्यू विल एग्जीक्यूट SHM। देखो जरा ध्यान से 23। चलो एक अच्छा क्वेश्चन उठा के दे दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा डिस्कशन है इसमें। y एक्सिस x एक्सिस समझो, जो तुम्हारे पास दो निगेटिव चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट देखिएगा, तो एक रखा हुआ है 0a पे, यहां है माइनस क्यू, और एक रखा हुआ है 0-a पे, यहां है माइनस क्यू, ये दो है। अब क्वेश्चन में बोला गया कि एक प्लस कैपिटल क्यू चार्ज को यहां पे इसको 2a0 से रिलीज किया गया, 2a0 से रिलीज किया गया, रिलीज यहां से रिलीज ऑब्वियसली u0। तो बताओ होगा क्या, क्वेश्चन नीचे वही पूछ रहा है, चार ऑप्शन है। एग्जीक्यूट SHM मोशन अबाउट द ओरिजिन, मूव्स टू द ओरिजिन एंड रिमेंस एट रेस्ट, मूव्स टू इंफिनिटी, एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। सर ऑसिलेट करेगा लेकिन SHM नहीं होगा। वेरी गुड, क्यों ऐसा? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, और किसी का कुछ? डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है, और कुछ? वेरी गुड, लेकिन कुछ और भी है। प्रोपोर्शनल नहीं है सर। क्या बोले? प्रोपोर्शनल नहीं है सर। चलिए अब हम लोग इस पे अच्छे से कुछ डिस्कस करते हैं। बोले ना बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया है बीच में बात करने के लिए। सुनिए, ये माइनस क्यू इसको इधर खींचेगा, ये माइनस क्यू इसको इधर खींचेगा, तो ऑब्वियसली आप दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट लीजिएगा तो अंदर आएगा। तो कोई यहां पे अगर देखे तो हम जो लिख रहे हैं कुछ पॉइंट्स, ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि एफ नेट इज ऑलवेज टूवर्ड्स ओरिजिन, जो हमारा नेट फोर्स होगा ना वो ओरिजिन की तरफ होगा, इधर से इधर जब पार करेगा तो फिर इधर से इधर। देखो देखो कुछ बोल रहे समझना, इसको जब आप यहां से रिलीज कीजिएगा ना फोर्स उसको एक्सेलरेट करेगा, पता है इस पॉइंट पे पहुंचने पे उसका नेट फोर्स कितना होगा? 0। जितना ऊपर खींचेगा उतना नीचे खींचेगा, देख बैलेंस आउट ईच अदर। तो x इक्वल्स टू 0 पे ओरिजिन पे उसका नेट फोर्स 0, ठीक है? हाँ, तो देखते चलना, यहां देखना कि एफ नेट 0 एट x इक्वल्स टू 0, सही है? तो अब जरा आपको सोच के बताना कि आखिर ये मोशन SHM नहीं है, ये मोशन SHM नहीं है, ये मोशन एक्चुअली ऑसिलेटरी है, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बट रीजन बिहाइंड दैट इज, उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि जो हम लोगों के पास मोशन यहां हो रहा है उस मोशन में डिस्प्लेसमेंट इज सो मच लार्ज, डिस्प्लेसमेंट इज लार्ज, सो मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट SHM। मोशन ऑसिलेटरी है लेकिन SHM नहीं है, ठीक है? ये आपका आंसर हो गया, ये डी वाला आंसर है आपका। हा? लेकिन अब और भी क्वेश्चंस का आंसर दो, जरा सोच के बताओ, जब उस चार्ज को प्लस कैपिटल क्यू को आप छोड़ेंगे तो सोच के बताइए उसका वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होगा? सही है, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम
एट एक्स इक्वल्स टू जीरो बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो। ये वो पॉइंट है जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। कोई अब हमको ये बताओ, लाइन समझ में आया वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, बताओ वो कहां तक जाएगा, कहां तक वो जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा कि कहीं रुकेगा? सोच के बता, जब हम इसको यहां x इक्वल्स टू 2a0 से छोड़े थे तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसका स्पीड बढ़ रहा है यहां मैक्सिमम, लेकिन जैसे ही वो इसको पार करके आगे निकलेगा फोर्स अपना डायरेक्शन बदल लेगा, फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, जैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अभी फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो फिर से वो धीरे धीरे स्लो डाउन होगा और ये वो पॉइंट होगा -2a0 जहां फिर से उसका वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि चार्ज विल सो पीरियोडिक मोशन बिटवीन 2a0 एंड -2a0। सही है, चार्ज जो है वो पीरियोडिक मोशन शो करेगा 2a0 और -2a0 के बीच, जिसमें उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा ओरिजिन पे जहां एक्सेलरेशन जीरो है। कोई दिक्कत किसी को? आप बताओ जरा कि ये वेलोसिटी मैक्सिमम निकालेंगे कैसे? बी मैक्सिमम विल बी कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करेगा? बी मैक्सिमम को कैसे निकालेगा बोलो? नहीं यार, मोमेंटम तो नहीं बोलेंगे ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एक मिनट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वहां लगता है जहां नेट फोर्स जीरो, या तो आप देख रहे हैं ना कि मोशन में है मतलब फोर्स जीरो नहीं है। और बोलिए कुछ सोच के, बाय यूजिंग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम कैन बी यूज्ड बट दैट इज डिफिकल्ट, वो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें हमेशा देखो ना तो फोर्स का वैल्यू वैरी करेगा, समझ रहा है? अगर वो जैसे जैसे नजदीक आएगा फोर्स तो बढ़ेगा ना, मतलब बढ़ेगा घटेगा यही होगा। हाँ, तो वहां से वर्क निकालना डिफिकल्ट है, तो सबसे सिंपल मेथड है बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करें? हम तुमको दो फिगर बनाते हैं, देखो इनिशियल फिगर ऐसा है, यहां पे है प्लस क्यू, यहां पे है माइनस क्यू, यहां है माइनस क्यू। तुम जरा गौर करना, हम इसको एक ट्रायंगल का फॉर्म दे दें, जरा डाटा पे देखिएगा, ये डिस्टेंस 2a है, ये डिस्टेंस a है, तो क्या ये रूट 5a है? तो ये हो गया रूट 5a, ये भी हो गया रूट 5a, और क्या ये डिस्टेंस 2a है ऊपर से नीचे तक? इतना सब देख के तुम इस सिस्टम का इनिशियल एनर्जी निकालेगा। अब सुपर देखो, फाइनल जो हाँ तुमको चाहिए, फाइनली योर फिगर इज लाइक दैट कि यहां पे माइनस क्यू है, यहां पे माइनस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है, इसके पास एक वेलोसिटी भी है। तो जब आप इस सिस्टम को लिखिएगा तो इनिशियल एनर्जी में केवल पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, वो तुम लिख लेगा ना पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई R12 करके तीन पेयर बनाना होगा, और इसी तरह फाइनल में तुम पोटेंशियल एनर्जी लिखो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में भी लिखो ½mv2। फिर दोनों एनर्जी को इक्वेट करके भी निकालिए। क्या ये लाइन समझ में आया? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो, मोशन इज पीरियोडिक बट नॉट SHM, इन केस ऑफ पीरियोडिक मोशन अगर आपको कहीं वेलोसिटी निकालना पड़े, देन यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू फाइंड वेलोसिटी। ठीक है,
वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाना या इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स वेरिएबल होगा तो आप उसको ऑब्जेक्टिव की तरफ बना नहीं पाएंगे, कैलकुलेशन बिकम्स लार्ज, बहुत बड़ा हो जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। लेकिन वर्क काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने से सिस्टम का इनिशियल एनर्जी तीन चार्ज का, फाइनल एनर्जी तीन चार्ज और काइनेटिक एनर्जी दोनों को इक्वेट करो, भी निकालो, ये तरीका। कौन सा ऐसा केस होगा जिससे ये मोशन एसएचएम हो जाए, कौन सा ऐसा केस होगा जिससे ये मोशन एसएचएम हो जाए? चार्ज को निगेटिव कोई इशू नहीं, चार्ज अगर प्लस, देखो ये माइनस माइनस ये प्लस है तो भी तो खींच रहा ना। हाँ वेरी गुड, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट काफी छोटा हो देन मोशन बिकम्स एसएचएम, ये टू ए नहीं हो, ये टू ए इज मच लार्जर ना इसके कंपैरिजन में, अगर वो थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ा जाए देन इट शोज एसएचएम, वो एसएचएम। ठीक है, देखो इसको अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन। रुको जरा एक चीज बता रहे जी, जरा देखिएगा सबको, जिनका भी डाउट था थोड़ा सा बताइएगा, ये चौक बड़ा है कि छोटा? छोटा। अच्छा सर, इरेलेवेंट है सर, किसी के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं? हाँ करेक्ट करेक्ट, जिनका भी क्वेश्चन था सोचो आप इसको अकेले देख के कैसे बड़ा छोटा बता सकते भाई? आपके बगल में देखिए यहाँ पे एक लिया है छोटा छोटा, शायद नजर भी नहीं आ रहा होगा, तो इसके कंपेरिजन में तो ही बड़ा हो गया। अभी हम इसके बगल में अब इसको रख दें तो इसके कंपेरिजन भी छोटा हो गया। उसी तरह आपके पास ये डिस्टेंस है 2a, बस आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2a के कंपेरिजन में कम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2a है तो इधर भी 2a, कितना का कोई लॉजिक नहीं है, इतना रखो कि जो आप बाकी डिस्टेंस ले रहे हैं उसके कंपेरिजन में वो छोटा रहे। ठीक है ना, उसका कोई नियम नहीं है कि 10 मीटर रखेंगे कि 2 मीटर रखेंगे, ऐसा नहीं है, वो लॉजिकल होता है, सोचना पड़ता है। ठीक है, अभी देखो अगला है एक बेहतरीन क्वेश्चन, फिर से थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस। 27 क्वेश्चन लिखा है, फोर इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एल, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर, द पॉइंट जेड इक्वल्स टू जीरो इज द पॉइंट वेयर द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इंटरसेक्ट ईच अदर, द प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर चार्जेस एज वन मूव्स ऑन द जेड एक्सिस इज। एक मिनट जस्ट सोच रहे हैं, फिगर बनाना। दिस इज जेड एक्सिस, यहां पे एक चार्ज है Q, यहां भी एक चार्ज है Q, यहां भी एक चार्ज है Q और यहां भी एक चार्ज है Q। ठीक है, जो हमारा स्क्वायर है उसका एज लेंथ है L, बहुत सारा थ्री डायमेंशनल फिगर है ध्यान दीजिएगा, थ्री डायमेंशनल फिगर है ध्यान दीजिएगा, जरा सोच के बताइए, वन टू थ्री फोर सोच के बताओ, ओरिजिन से टू चार्ज का डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से सेकंड चार्ज का डिस्टेंस कितना है? एल बाय रूट टू, वेरी गुड। अब जरा सोचो एल बाय रूट टू ना, कोई दिक्कत नहीं है सबका, क्या वन टू थ्री फोर चारों चार्ज का डिस्टेंस ओरिजिन से एल बाय रूट टू है? ठीक है, अब जरा सोचिए कि अगर हम कोई पॉइंट इस पे एक्स डिस्टेंस अवे ले तो इस पी पॉइंट का, इस पी पॉइंट का टू से टोटल डिस्टेंस कितना है?
एकदम सही। देखो जी, ये अभी आप हमको बताए थे एल बाई रूट टू, ये था एक्स, तो क्या ये अंडर रूट, मतलब इसको आर लिख देते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहां पे कोई एक चार्ज है क्यू, तो सोचो क्या उस चार्ज का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, थोड़ा ध्यान से हा, लेट दैट एंगल इज थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ई का राइट वाला कंपोनेंट ई कॉस थीटा और नीचे वाला कंपोनेंट ई साइन थीटा आ गया, सही जी? मान लीजिए हम टू चार्ज के बारे में बात करें, सोच के बोलना, टू चार्ज का जो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसका दो कंपोनेंट ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, ये सब क्वेश्चन आंख बंद करके बनता है, सोचा जाता है, इसको आप बोर्ड पे नहीं बना रहे, इसको आप दिमाग में बना रहे, बोर्ड पे तो हम लिख रहे हैं। आप सोच के बताओ कि टू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ई साइन थीटा किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ई साइन थीटा से बैलेंस होगा, टू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है ई साइन थीटा, वो तीनों में से किसके इलेक्ट्रिक फील्ड ई साइन थीटा के कंपोनेंट से बैलेंस होगा, फोर नंबर का, वेरी गुड, फोर का जो क्रिएट होगा वो ऊपर होगा, देख इधर है एक इधर है, इसका जो क्रिएट होगा उसको ऊपर वाला कंपोनेंट ई साइन थीटा इसको बैलेंस करेगा, इसी तरह वन का थ्री, मतलब ये समझो कि वन का इलेक्ट्रिक फील्ड का ई साइन थीटा पार्ट फोर से बैलेंस है, सॉरी गलत बोल दी, टू का फोर से बैलेंस है और वन का थ्री से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल ई कॉस थीटा बचा, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, और चारों चार्ज का एक एक बचा, सिंस ई साइन थीटा ऑफ इच कंपोनेंट कैंसल्ड आउट ईच अदर, देयरफॉर इन ए केस ई कॉस थीटा का फोर टाइम्स। अब चलो इस फिगर को देख के पहले ई लिखो, ई क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और फिर कॉस थीटा लिखो, बेस बाई हाइपोटेनस एक्स बाई आर इंटू फोर, एंड योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू फोर एक्स बाई आर का क्यूब, चलो आर का वैल्यू पुट कर लेते हैं, के क्यू फोर एक्स आर के जगह पे आपके पास निकल रखा है एल स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर पावर क्या थ्री बाई टू हुआ, मतलब आपको ये चीज मिल गया यहां पे कि इनेट जो है वो एक्चुअली फोर के क्यू एक्स बाई एल स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर थ्री बाई टू है, सही जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखना समझना, ये इनेट दो केस में जीरो, अगर हम लोग एक्स का वैल्यू जीरो पुट करें तो भी ये ई जीरो, और अगर हम लोग एक्स का वैल्यू इंफिनिटी पुट करें तो भी ये ई का वैल्यू जीरो। अब आप देखिए, आप रेगुलर क्लास में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जीरो से जीरो वैरी कर रहा है तो बीच में कैसे वैरी कर रहा है, पहले मैक्सिमम और फिर घटेगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम E को x इक्वल्स टू जीरो से x इक्वल्स टू इंफिनिटी के बीच प्लॉट करें तो पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो वैसा जरा वहां देखना चारों ग्राफ ऐसे ही है, सही है, चारों का चारों ग्राफ E इक्वल्स टू मैक्सिमम आपके dE बाई dx का वैल्यू जीरो कीजिए और यहां से फाइंड कीजिए x।
अपने आप देखिएगा x का एक वैल्यू आ जाएगा, फिर चारों में देख लो कि कौन x के इस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर होगा। कोई बता सकता है कितना आया? कोई बता सकता है कितना आया? एल बाई टू। तो x का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा, l बाई टू आ जाएगा, वही आंसर होगा। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये थ्री डायमेंशन फिगर समझ में आ रहा है सब कुछ?